हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो कौन कौन सी स्पेशल पर्पस के तहत, उद्देश्य के तहत जो है कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है फॉरेस्ट पर या किसी भी लैंड पर जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 35 में आपका दिया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किन स्पेशल पर्पस से जो है किसी भी फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट कर सकती है, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में आपका नोटिफिकेशन देने के बाद किन चीजों पे आपका प्रोहिबिट कर सकती है, कोई भी किसी भी फॉरेस्ट पे जो कि मतलब उसकी जमीन नहीं है, उसका कह सकते हो कि उसका जो जंगल है वो गवर्नमेंट के तहत नहीं आता है, जो वो लैंड है वो गवर्नमेंट के तहत नहीं आती है, उन पर इन चीजों की पाबंदी लगा सकती है। पहली चीज तो मतलब कि उस लैंड को उस फॉरेस्ट को साफ करना किसकी वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, तो इस पर प्रोहिबिशन लगा सकती है। या फिर आपके जो घास खाने वाले जो कैटल से जो जानवर है उनके एंट्री पर जो है पाबंदी लगा सकती है। इसी तरह की आग लगाना उस जंगल में या उस लैंड में, या फिर उसको साफ करना वेजिटेशन के लिए मतलब कि वनस्पति उगाने के लिए साफ करना, तो इन तीनों चीजों के लिए जो है वो मना कर सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है। तीनों चीजें जो प्रोहिबिट करी हैं वो किस पर्पस के लिए हो सकती हैं, किस उद्देश्य के लिए हो सकती हैं, वो स्टॉर्म से, आंधी से, या किसी तेज हवा से, या फिर जो आपका बाढ़ है उनकी उनके मतलब उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो है आपका वो मना कर सकती है इन तीनों चीजों के लिए, या फिर लैंड स्लाइड से बचाने के लिए, या फिर जो मिट्टी होती है, लैंड होती है उसका जो कटाक्ष होता रहता है वो उसके इरोजन से रिलेटेड आपको हो सकता है, उसके स्लोप से रिलेटेड, आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, या फिर वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, या फिर रोड, ब्रिज या रेलवे आपके लाइन है, या दूसरी कोई अदर कम्युनिकेशन लाइन है उसको प्रोटेक्शन से रिलेटेड, फिर पब्लिक हेल्थ को उसको जो है बचाए रखने के लिए जो है, कोई इनमें से कोई से भी जो कोई कुछ भी उद्देश्य हो सकता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का उन प्रोहिबिशन का जो प्रोहिबिट की गई है चीजें उनके उनके लिए। एक चीज और आपको बता दूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन पर्पस को अचीव करने के लिए जो भी किसी भी तरह का काम किया जाएगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो वो सारा जो जिसमें उसमें जो भी खर्चा आएगा उस फॉरेस्ट पर या उस वेस्ट लैंड पर, तो वो सारा जो है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, सारा खर्चा खुद ही करेगी अपना आप। स्टेट गवर्नमेंट जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगी कि जब तक कि वो जो उस फॉरेस्ट या उस लैंड का जो ओनर है उसको नोटिस ना दे दे, भी लैंड ओनर है उसको या फॉरेस्ट ओनर है तो उसको नोटिस भेजा जाएगा और उसमें जो है टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये आपका रीजनेबल स्पेसिफिक टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आप आइए और हमें बताइए कि क्यों वहां पर ये काम ना करें, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ना करें, ऑफिशियल गजट में इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन ना दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्यों हम उसके उस फॉरेस्ट को उसको यूज ना करें, पर्पस हमने बताए उनके लिए। अगर उस पर्सन के द्वारा जो लैंड जो ओनर है, जो फॉरेस्ट ओनर है, उसके द्वारा कोई भी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन उठता है तो किसी भी तरह का वो एविडेंस मतलब कि आपका मतलब कि देता है अपने ऑब्जेक्शन की सपोर्ट में, तो उस पर्सन को जो है सुना जाएगा इसके द्वारा, वो उस ऑफिसर के द्वारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है इसी इस पर्पस के लिए, वो उस ओनर की जो फॉरेस्ट ओनर है, लैंड ओनर है, वेस्ट लैंड ओनर जो है उसके बारे में उसकी बात सुनेगा, उसके ऑब्जेक्शन सुनेगा, तब डिसीजन लिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई भी पर्सन या फिर मतलब कि जो ओनर है उस फॉरेस्ट का, वो भी रूल रेगुलेशन आप जो सेक्शन 35 में बनाए हुए हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, उनको वो अगर जानबूझ के नेग्लेक्ट करता है या डिसओबे करता है, किसी भी तरह की बाधा करता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन या कोई सी तरह का वर्क किया जा रहा है उस फॉरेस्ट पर या उस लैंड पर, स्टेट गवर्नमेंट क्या है उस ओनर को रिटिन में नोटिस देने के बाद, उस ओनर का जो है ऑब्जेक्शन सुनने के बाद, फॉरेस्ट को या उस लैंड को जो है जमीन को जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके कंट्रोल में दे देगी, ये डिक्लेयर कर देगी कि कोई भी एक प्रोविजन या फिर मतलब सारे प्रोविजन या एनी प्रोविजन जो है इस एक्ट के जो भी हैं, एक्ट में दिए हुए हैं रिजर्व फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो उसके उस फॉरेस्ट पर, उस ओनर की फॉरेस्ट पर या लैंड पर जो है अप्लाई होंगे, ये चीज जो है डिक्लेयर कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद मतलब कि उस फॉरेस्ट से या उस लैंड से किसी भी उसके मैनेजमेंट से, उस फॉरेस्ट लैंड के मैनेजमेंट से किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो जो प्रॉफिट आएगा वो उस ओनर को दिया जाएगा, उस ओनर को पेड किया जाएगा जो भी उसका मालिक है उस फॉरेस्ट और लैंड का। बात करते हैं सेक्शन 37 की, तो सेक्शन 30 में लिखा है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जो फॉरेस्ट है या जो भी लैंड है दूसरे पर्सन का, ठीक है, उसको
मतलब कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके कंट्रोल में देने की बजाय उस फॉरेस्ट या लैंड को वो एक्वायर कर सकती है पब्लिक पर्पज से, पब्लिक पर्पज के लिए जो है वो उस लैंड को या उस फॉरेस्ट को जो है एक्वायर कर सकती है, वो जब्त कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो उसको एक्वायर करेगी वो प्रोसेस जो होगा आपका, वो मैंने आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट सॉरी 1894 में आपका जो दिया है, तो वो प्रोसेस अपना अप्लाई अप्लाई करेगी, उस मैनर में वो आपका एक्वायर करेगी। सेक्शन 38 में है कि कोई भी जो उस लैंड का ओनर है या फिर उस फॉरेस्ट का ओनर है या फिर एक से ज्यादा ओनर हैं उस लैंड के या उस फॉरेस्ट के, टोटल लैंड या टोटल फॉरेस्ट के जो मतलब दो तिहाई हिस्सा जो है उस पर्सन का है, और अगर वो ओनर जो है लैंड ओनर उस फॉरेस्ट का या फिर उस लैंड का एक तरह से प्राकृतिक संरक्षण करना चाह रहा है या उसका संरक्षण करना चाह रहा है, उस केस में वो पर्सन जो अपनी डिजायर है अपनी इच्छा है वो रिटेन में लिखकर कलेक्टर को दे सकता है, मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है उस फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। सेक्शन में क्या है, सेक्शन में ये है कि जो ओनर है फॉरेस्ट का वो खुद अपना आप जो अपनी जमीन दे रहा है, अपना अपनी फॉरेस्ट दे रहा है, अपना जंगल दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो आपका जो लैंड है या जो फॉरेस्ट है वो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा मैनेज किया जाएगा एज ए रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के तौर पर, मतलब उसको रिजर्व फॉरेस्ट आपका माना जाएगा, मतलब जो भी एग्रीमेंट में मेंशन है या जो भी आपका उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ हो उस ओनर का या फिर जो कलेक्टर है उनको गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट पर उस लैंड पर या तो आपके जो प्रोविजन है इस एक्ट के तो वो सारे लगेंगे या फिर कोई भी लगेगा अप्लाई होगा उस लैंड पर जो भी एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया गया हो। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गजट है उसमें नोटिफिकेशन देगी उस लैंड से रिलेटेड उस फॉरेस्ट से रिलेटेड, और साथ में ये भी मेंशन करा जाएगा कि मतलब कि ये जो एप्लीकेंट है या जो भी पर्सन है उसकी रिक्वेस्ट पे हुआ है, जो लैंड ओनर है उसने रिक्वेस्ट करी है इस चीज के लिए, उसके डिजायर पर हुआ है, जो भी प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगे वो सब चीज जो है नोटिफिकेशन मतलब की देगी ऑफिशियल गजट में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम है।